आज हम बनाएंगे पोंगल। तो पोंगल के लिए मुझे क्या क्या चाहिए आप देख लीजिए। उसके लिए मुझे चाहिए राइस, जो रेगुलर राइस होता है। तो 1 कप मैंने रेगुलर राइस लिया है, और मूंग की दाल 1.5 कप, सेम कप में मैंने मेजर करके लिया है, देख सकते हैं सेम कप है तीनों। तो 1.5 कप, 1 कप राइस के लिए 1.5 कप दाल मैंने ले लिया है। और उसके लिए हींग चाहिए, थोड़ी सी करी पत्ता, मेरे बच्चे सब करी पत्ता अच्छा बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आपको अगर ज़्यादा पसंद नहीं है थोड़ा कम करके ले सकते हैं। और मैंने ग्रीन चिल्ली लिया है 8, हाँ 7-8 लिया है, और 1 अदरक लिया है, और ये काजू, और जीरा 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और सॉल्ट टू टेस्ट, और ये है घी, मैं पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ, ये देख सकते हैं घी। बस इतना ही मुझे पोंगल बनाने के लिए चाहिए। पहले हम लोग एक तवा बैठा देंगे, उसको मूंग दाल को पहले फ्राई कर देंगे थोड़ा सा हल्की से। हम लोग ये जो 1.5 कप रखा था उसको हम लोग थोड़ा सा हल्की सी फ्राई कर देंगे, और उसके साथ राइस भी फ्राई कर देंगे, देख सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस हल्की सी थोड़ी सी गरम सेकना है बस। अभी देख सकते हैं ये थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हो गई है। अभी इसको मैं एक बाउल में निकाल दूंगी, ये 2 मिनट के लिए मैंने जस्ट फ्राई किया। इसको एक बाउल में अभी शिफ्ट कर देती हूँ। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी में भिगने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से धो के फिर भिगने के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। अभी देख सकते हैं इसको मैं अभी पानी में भिगने के लिए रख दिया। पोंगल बनाने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर रख दिया है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये प्रेशर कुकर को थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, और इसमें हम लोग थोड़ा सा 2 चम्मच 1.5 चम्मच हम लोग घी इसमें ऐड कर देंगे, देख सकते हैं। मैं ऐसे ही अंदाज से डाल रही हूँ, आप अगर मेजरमेंट करना है तो 2 चम्मच ही आप डाल सकते हैं। अभी क्या करेंगे, ये चिल्ली को 2 स्लिट में ऐसा करके काट देंगे, ये देखिए चिल्ली को अभी काट दिया है। अभी इसको जिंजर को भी हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में उसको भी काट लेंगे, देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको पूरा छोटे छोटे करके उसको काट लीजिए, ये देख सकते हैं अभी हो गया मेरा। और ये मैंने मिर्ची थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा तीखा पसंद है। आपको अगर कम करना है तो आप 2-3 कम कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद है चिल्ली, तो चिल्ली को भी स्किप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं घी अभी गर्म हो गया है, और इसमें ये जो काट के रखे थे चिल्ली और जिंजर, ये सब इसमें अभी डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी हम लोग हींग डाल देंगे, ये देख सकते हैं 2 चुटकी, हाँ 2-3 चुटकी, देखिए इतना ही हम लोग इसमें हींग डाल देंगे, और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। ये जो राइस को हम लोगों ने भिगो के रखा था, इसको हम लोग अभी ड्रेन कर देते हैं, पानी इसमें से पूरा ड्रेन कर देंगे, फिर अभी इसमें ड्रेन करके इसमें डाल देंगे। अभी थोड़ी सी फ्राई हो गई है, अभी इसमें हम लोग ये जो राइस रखे थे और दाल, इसको इसमें डाल देंगे। अभी देखिए इसको भी थोड़ा घी के साथ और जिंजर मिर्ची के साथ इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए हम लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम लोग थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, और वो कितना डालना है मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये देख सकते हैं घी के साथ थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा ये हो चुका है। अभी इसमें हम लोग पानी डालेंगे। तो हम लोग क्या किया था, 1 कप राइस लिया था और 1.5 कप मूंग दाल लिया था, तो टोटल हो गया 2.5 कप। तो उसमें हम लोग 3 गुना पानी डालेंगे, तो 2.5 कप का
कितना, 3 गुना कितना होता है, 7.5 कप होता है। ओके, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको अगर आप 1 कप ले रहे हो, 2 कप ले रहे हो, उसका 3 गुना आपको पानी लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये 1 कप, 2 कप, 3, 4, 5, 6, 7 कप, और थोड़ा पानी डालना पड़ेगा इसमें, पूरा फुल नहीं हुआ है, 7 कप। तो इसको अच्छे से अभी बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, और इसमें हम लोग नमक डाल देंगे, और आपको जितना सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट टू टेस्ट, उतना ही डाल लीजिए। अभी इसमें सॉल्ट डाल देंगे, तो मैंने ये 1 चम्मच, और ये थोड़ी सी, देखिए 1/2 टीस्पून से भी कम है, तो उतना मैंने डाल दिया। आपको जितना आपको पसंद है, ज़्यादा नमक किसी को खाना पसंद है, कम किसको पसंद है, तो उतना डाल दीजिए। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कवर करके बॉयल आने तक उसको छोड़ देंगे। थोड़ा अच्छे से बॉयल आ जाए, फिर हम लोग बाद में उसको प्रेशर कुकर में कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा पानी गर्म हो रहा है दाल के साथ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, काजू जो है उसको छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग काट लेंगे। ये ऐसा पूरा नहीं डालेंगे हम लोग, इसको छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। ये देख सकते हैं, इसे छोटा छोटा, देखिए। आपको अगर ऐसा बड़ा बड़ा काजू खाना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे करके डालने से हर स्पून में एक एक टुकड़ा तो चल ही जाती है। इसे करके उसको बारीक से काट लेंगे। अभी हम लोग चेक करते हैं, देखिए अभी उबाल आ चुका है, देखिए। तो अभी इस टाइम पे हम लोग इसको प्रेशर कुक, ये कवर अच्छे से लगा के उसको सीटी आने के लिए छोड़ देंगे। इसको 2 सीटी आने तक सिम पे ही रखेंगे। कुकर से गैस निकले का नहीं, देखिए अभी मेरा प्रेशर कुकर तो डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही डाल सकते हैं। देखिए इसमें जितना घी अच्छा डालोगे ना, उतना ही अच्छा है। पोंगल में ज़्यादा घी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ। काजू को इसमें डाल देती हूँ, इसको थोड़ा सा हल्की से ऐसा घी में फ्राई कर देंगे। अब ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ये फ्राई हो चुका है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो जीरा और ये ब्लैक पेपर, कुटी हुई ब्लैक पेपर हम लोग रखे थे, इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। देखिए अच्छे से ये हो गया है, और ये कड़ी पत्ता भी इस टाइम पे हम लोग डाल देंगे। अच्छे से फ्राई कर देंगे, और गैस को ना हम लोग सिम पे ही रख के करेंगे, नहीं तो जल जाएगा। देख लीजिए अच्छे से मेरा तड़का रेडी हो चुका है, इसको हम लोग प्रेशर कुकर में अभी डाल देंगे। जो प्रेशर कुकर है इसमें हम लोग सारे तड़का इसमें डाल देंगे। हमने टोटली 4 टीस्पून घी डाला है, पहले 2 चम्मच डाला था चावल और दाल को भूनते समय, और इसमें अभी 2 चम्मच। इससे आपको ज़्यादा पसंद है, थोड़ा 1-2 चम्मच अब डाल के खा सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया, देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, देखिए ये मेरा पोंगल अभी रेडी हो गया। ये मैंने एक बाउल में निकाल दिया है, और ये देख सकते हैं मेरा पोंगल रेडी हो चुका है। अगर आपको ये पोंगल का रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो अभी बाय।
आपको अगर कम तीखा पसंद है तो आप चिली कम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक पेपर हम लोग डाल रहे हैं उसमें से भी हमको तीखापन आ जाता है। तो आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा डालना है, जितना आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। और इसमें और एक बात है, आपको अगर नारियल भी पसंद है तो आप थोड़ा सा नारियल इसमें भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत